चलो देखो, एटॉमिक और आयनिक रेडियस एंड इट्स ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू? एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का मतलब क्या है ये पूछ रहा है। इसका आंसर देखते हैं। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। एक एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इन एन आयन। आयनिक रेडियस क्या है? एक आयन में जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है उसको आयनिक रेडियस बोलते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है लेकिन इसको डिफाइन करने में, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग एन एटम और आयन, आयन या इलेक्ट्रॉन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री, उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। दस डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक और एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी प्रिसाइज। ठीक है, जैसे ये एटम है, मान लो ये एटम की बाउंड्री है, ये तो मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ बाउंड्री एटम की, पर ये क्या है, शार्प नहीं होती किसी भी एटम की बाउंड्री, हम जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है ना, ऐसे होती है ना बाउंड्रीज की, कहीं भी पाया जा सकता है, थ्री डायमेंशन है प्लस शार्प नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है। तो इसलिए एटॉमिक और आयनिक रेडियस को प्रिसाइज वैल्यू उसकी निकालना मुश्किल है, तो फिर जुगाड़ लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो पहले आयनिक रेडियस कैसे मेजर करते हैं? द आयनिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंसेज बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन आयनिक क्रिस्टल। ये मैं पॉइंट समझाता हूँ। आयनिक क्रिस्टल में देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं NaCl क्रिस्टल की बात करूँ, ठीक है, NaCl क्रिस्टल में क्या होता है, ऐसे समझो एक Na पॉजिटिव के आसपास 6 क्लोराइड आयन होते हैं और एक क्लोराइड आयन के आसपास 6 Na प्लस आयन होते हैं। तो मैं NaCl का क्रिस्टल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आएगी, अभी बस आइडिया देता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा। नीचे आ जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस पे फोकस करो, ये एक Na प्लस है ना, इस Na प्लस के आसपास कितने क्लोराइड आयन है, 1, 2, 3, 4, चार तो प्लेन में ही हो गए, एक इसके ऊपर होगा जो दिखा मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, यहाँ पे इसके ऊपर होगा ये, एक उसके नीचे पीछे होगा, हाँ समझ में आई बात, तो 6 हो गए ना टोटल, चार तो बगल में होगा, एक ऊपर एक नीचे। अब ये 6 आपस में टच करेंगे, समझ में आई बात। अब सोडियम कहाँ, जैसे सिर्फ इन दो की बात करो, ये जो गैप दिख रहा है ना ये कोई गैप होता नहीं है, ये तो बस बनाने के लिए था, ये आपस में टच करते हैं ऐसे, ओके, ये तो दिखाने के लिए, इसको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो बस दिखाने के लिए है, आपस में क्या करेंगे टच करेंगे। तो ये सोडियम का न्यूक्लियस और ये क्लोराइड का न्यूक्लियस, इसका डिस्टेंस मान लो डी है, तो डी किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ एन ए प्लस और रेडियस ऑफ सी एल माइनस। अब एग्जैक्टली बताना बड़ा मुश्किल है कि भाई एन ए प्लस कहाँ खत्म हुआ, सी एल माइनस कहाँ शुरू हुआ, जैसे यहाँ तो मैंने डायग्राम में तो दिखा दिया कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये शार्प नहीं होता ना इतना, ये बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियस फिक्स होगा वहां पे, उसका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, उसको हम बोलते हैं डी, वो किसके इक्वल होगा, दोनों के रेडियस, आयनिक रेडियस के सम के इक्वल होगा। ऐसे कोई और क्रिस्टल ले लो, मान लो आपने एन ए बी आर ले लिया, तो वहां पे डिस्टेंस निकाल लो, तो वो क्या होगा, रेडियस ऑफ एन ए प्लस प्लस रेडियस ऑफ बी आर माइनस। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके पास आ जाएगा, तो इससे आप एन ए प्लस का रेडियस निकाल सकते हो दोनों को माइनस करके, ऐसे मतलब बहुत सारे डाटा लेके इकट्ठा करके कर सकते हो, तो एस्टीमेट लगा सकते हो, एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या लिख रहा है यहाँ पे, आयनिक रेडिया कैसे एस्टिमेट करना है, यहाँ से यहाँ समझ में आ गया, आयनिक रेडिया कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंसेज बिटवीन कैटायन्स एंड एनायन्स इन
आयनिक क्रिस्टल, कैटायन और एनायन के बीच डिस्टेंस मेजर करके आयनिक रेडियस को एस्टिमेट किया जा सकता है। क्लियर? नहीं, क्रिस्टल में तो कैटायन और एनायन होंगे ना, दो कैटायन थोड़ी होंगे बगल में, कैटायन के आसपास कैटायन नहीं होगा ना। देखो अट्रैक्शन किस किस में है, कैटायन और एनायन में। कैटायन और कैटायन तो रिपेल करेंगे ना आपस में, इसलिए कैटायन के आसपास हमेशा एनायन ही होता है। ठीक है, क्रिस्टल का मतलब होता है एक ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड ऑर्डर में होते हैं, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे अलमारी में कपड़े प्रॉपर ऑर्डर में भी रखे हो सकते हैं, ऐसे फेंक भी सकते हो, तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर भी हो सकता है, एक ऑर्डरली मैनर में भी हो सकता है, और ऐसे कुछ कोई ऑर्डर ना ही हो, ऐसे बस इकट्ठा पड़े हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो जो इकट्ठा पड़े होते हैं उनको अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, जो वेल ऑर्डरली मैनर में होते हैं उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, क्रिस्टल। ठीक है, ट्वेल्थ में आएगा। अच्छा, अगला देखो, आयनिक रेडियस कैसे एस्टिमेट करना समझ में आ गया। अगला, एन एस्टिमेट ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द कंबाइंड स्टेट। एटॉमिक रेडियस कैसे आप पता करोगे, एटम्स जब कंबाइंड स्टेट में होंगे, एटम जब मॉलिक्यूल बनाया होगा, तो दो मॉलिक्यूल, तो जब मॉलिक्यूल बनाया होगा तब दो एटम के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस एस्टिमेट करके आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो, हमने किया था ना ये क्लास में। तो एटॉमिक रेडियस के तीन तरीके हैं, एटॉमिक रेडियस इज ऑफ थ्री टाइप्स, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो हम देखते हैं। कोवलेंट रेडियस क्या है, इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिंगल बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल Cl2, उसका क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जैसे Cl-Cl, सिंगल बॉन्ड हो गया इसका, इसको ऐसे दिखा देते हैं, Cl और एक और Cl, ये न्यूक्लियस हो गया, बॉन्ड बनाया हुआ, इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम क्या बोल देते हैं, d, उसका क्या कर दो, हाफ, तो d बाय टू क्या हो जाएगा, कोवलेंट रेडियस। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स के रेडियस बताने के काम आते हैं, या एग्जाम्पल दिए, फॉर एग्जाम्पल द बॉन्ड डिस्टेंस इन क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 कितना, ये डिस्टेंस कितना है, 198 पिकोमीटर, तो इसका जो हाफ होगा 99 पिकोमीटर वो क्लोरीन का रेडियस मान लिया जाएगा, नहीं ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो। अगला देखो, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस क्या है, इट इज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेटल न्यूक्लियाई इन मेटालिक क्रिस्टल। ठीक है ना, मेटल का एक क्रिस्टल होता है, मेटल क्रिस्टल में क्या होंगे, मेटल के आयन होंगे अरेंज्ड और उसके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, कॉपर का आइटम दे रहा है तो कॉपर सब, चलो मैं सोडियम से समझा देता हूँ, सोडियम का क्रिस्टल कैसा होगा, सोडियम में ऐसे होगा ना Na, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, सोडियम का क्रिस्टल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11, है ना, कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 2, 8, 1, तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स में है, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट शेल वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दीजिए, किसी भी मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, बाकी जो स्पीसी बची वो पॉजिटिवली चार्ज ही होगी ना, वो यहां दिखाया जा रहा है। तो सोडियम के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिखा लो साथ में, ओके, तो ये स्पीसी जो पॉजिटिव चार्ज है क्या है, यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन है इस केस में, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होगा ना, मैग्नीशियम के केस में यहां दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम के केस में यहां तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये होता है मेटल का लैटिस, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज्ड, सब जगह मूव कर सकता है पूरे लैटिस में, यही होता है मेटालिक बॉन्ड्स। अब मेटालिक क्रिस्टल में ये जो मेटल का आयन है इसके बीच डिस्टेंस मान लो है डी,
तो डी बाई टू क्या होगा, मेटेलिक रेडियस। क्लियर है मेटेलिक रेडियस। मेटल का जो तो क्रिस्टल होता है, मेटल के क्रिस्टल में क्या होता है कर्नल, मतलब एक मेटल का आउटर मोस्ट वेलेंस इलेक्ट्रॉन हटा के जो बच गया पॉजिटिव चार्ज उसको कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल का लैटिस होता है और आउटर मोस्ट वेलेंस इलेक्ट्रॉन रिलोकलाइज होते हैं, सब जगह मूव कर सकते हैं, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सी सब जगह मूव कर सकते हैं। दो कर्नल, यह है कर्नल, दो कर्नल्स के बीच का डिस्टेंस मान लो डी है, तो डी बाई टू मेटेलिक रेडियस। ये पॉइंट देखो समझ में आ रहा है, इट इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा बिटवीन द मेटल न्यूक्लियर, मेटल के न्यूक्लियाई के बीच में इन मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर इज 256 पिकोमीटर। कॉपर के मेटेलिक लैटिस में दो बगल वाले कॉपर एटम का बीच डिस्टेंस कितना है 256 पिकोमीटर, इसलिए कॉपर का मेटेलिक रेडियस कितना होगा इसका हाफ, 128 पिकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस क्या है, इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स, दो बगल वाले एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ। लेकिन वो दो बगल वाले कौन से एटम लेने, बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के एटम लेने आपने, सेम मॉलिक्यूल के एटम नहीं लेने। देखो और सॉलिड स्टेट में लेने, गैसीय स्टेट में तो एक मॉलिक्यूल कहाँ होगा, दूसरा मॉलिक्यूल बहुत दूर होगा। ये देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये तो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, तो आपने ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना, ये एटम और ये एटम इन्होंने तो कोई बॉन्ड नहीं बनाया, ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आई बात, पड़ोसी मॉलिक्यूल्स है ना, ये पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियर का डिस्टेंस है ना आपको, ये वाला ये डिस्टेंस, समझ में आई बात। इस डिस्टेंस का हाफ कर दो तो क्या आएगा, वंडरवॉल रेडियस। अगर आपने ये बॉन्डेड वाले का ले लिया, बॉन्डेड वाले का हाफ कर लिया, तो वो कोवेलेंट रेडियस होगा। यहाँ दिखा अरे वो ऐसे ड्रॉ किया है, ड्रॉ स्फेरिकल तो होता ही है ना, एटम स्फेरिकल सिमेट्री उसमें होती है, परफेक्ट स्फीयर नहीं होता लेकिन स्फेरिकल सिमेट्री तो उसमें होती है। अर्थ को तुम स्फीयर क्यों बोलते हो यार, अर्थ स्फीयर है क्या परफेक्ट, उसमें खड्डे होंगे, ये होगा वो होगा, अरे तुम एक अंदाजे से स्फीयर है ना, परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, अंदाजे से तो स्फीयर ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ डू एटॉमिक रेडियाई रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में और एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, ये पूछा गया। हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन, और आप ये वेरिएशन कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आंसर क्या है, अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इंक्रीज, क्या बोल रहा है, लेफ्ट से राइट मूव करना कहाँ, पीरियड में, ये पीरियोडिक टेबल ये रहा, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इस डिक्रीज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो क्या बोल रहा है वो, जो लिखा है वो पढ़ते हैं पहले, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, दोनों बढ़ गए, ये लाइन लिखी है वहां पे, चलो ठीक है मान लिया। आगे क्या बोलते हैं, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी, हेंस एटॉमिक रेडियस टेंड्स टू इंक्रीज, क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाने की टेंडेंसी होगी। लेकिन दूसरी बात क्या बोल रहे, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन भी तो बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, हेंस एटॉमिक रेडियस टेंड टू डिक्रीज, प्रोटॉन बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच के न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे, तो इस इफेक्ट से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाना चाहता है। ठीक है, तो दोनों फैक्टर हो गए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ गई और प्रोटॉनिक पुल भी बढ़ गया, लेकिन इफेक्ट
of increase of nuclear pull dominates over effect of increase of inter-electronic repulsion. Repulsion or attraction में dominate कौन करता है? Increase in attraction. तो attraction बढ़ गई तो क्या होगा? Hence across period from left to right, atomic radius generally decreases. आम तौर पे left to right जाने पे atomic radius कम हो जाता है क्योंकि proton की attraction की effect dominate कर गई electron की repulsion पे. Period में clear हो गया? फिर down the group number of shells increase. Down the group क्या है? ये रहा periodic table. नीचे आने पे यहाँ है ना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम. नीचे आने पे क्या होगा? शेल बढ़ता जाएगा. एक इसमें कितने शेल हैं? एक इसमें दो तीन चार पाँच छः सात. तो शेल बढ़ गए तो क्या होगा? फिर शेल ही बढ़ गए तो रेडियस बढ़ ही जाएगा ना. आउटर में शेल और दूर दूर होता जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा. सिंपल डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज which results in increase of distance between nucleus and valence electron. So valence electron and nucleus ke beech ka distance badh jayega. Hence down the group atomic radius generally increases. Badhta hai generally. Agla dekho. Next question. Explain why cations are smaller and anions are larger in radii than their parent atom. ये देखो क्या बोल रहे हैं. मान लो हम साइज को कंपेयर कर रहे हैं फ्लोरीन के F- के और F+ के. इसके साइज को कंपेयर कर रहे हैं ठीक है. तो देखो यहां लिखता हूं मैं नीचे और F-. करेक्ट. तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना. फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है? फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है. एफ प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया ना. प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो उतनी ही है एफ में. एफ प्लस में और एफ में प्रोटॉन तो उतनी होंगे ना. इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. एफ माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. और प्रोटॉन? प्रोटॉन तो उतनी रहेंगे ना ठीक है. तो जब प्रोटॉन सेम रहे ना दो स्पीशीज में तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो ठीक है कि भाई प्रोटॉन तो सेम है तो इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना साइज छोटा होगा ना है कि नहीं. यहाँ देखो एफ प्लस में क्या हो रहा है? 9 प्रोटॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं. एफ में क्या हो रहा है? 9 प्रोटॉन मिलके 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं. तो ज्यादा खिंचाई कहाँ हो जाएगी जब 9 मिलके 8 को खींच रहे हैं. यहाँ 9 मिलके कितने को खींच रहे हैं? 10 को. तो वीक होगी ना खिंचाई थोड़ी सी. समझ आई बात? तो प्रोटॉन तो उतने ही है इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो साइज बढ़ जाएगा ऐसे जाने पे. समझ आ रही बात? ठीक है ना. आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो फ्लोरीन है. फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो साइज छोटा ही हो जाएगा ना उसका. और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. गेन कर लिया तो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा. ऐसे सिंपल सी बात है. किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. बस गेन कर लिया तो बड़ा हो जाएगा. लूज कर दिया तो छोटा हो जाएगा ठीक है. देखो अ कैटायन हैज लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन इट्स पेरेंट एटम. एक कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसके पेरेंट एटम से कंपेरिजन में. वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम. जबकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सेम होता है. एज अ रिजल्ट the attraction of electrons to nuclei is more in a cation than in its parent atom. इस कारण जो cation की cation में attraction होती है electrons की towards nucleus वो ज़्यादा होती है as compared to parent atom. इसलिए cation जो होते हैं वो छोटे होते हैं parent atom से size. ठीक है. फिर क्या? An anion has more number of electrons than its parent atom. एक anion में जो electron होते हैं वो parent atom से ज्यादा होते हैं. जबकि न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है इसलिए क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो एनायन में है वो ज्यादा हो जाती है पेरेंट एटम से. क्योंकि प्रोटॉन तो उतनी है इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने से क्या होता है? एनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम. सिंपल. नेक्स्ट देखो. डिस्क्राइब
the theory associated with the radius of an atom as it gains an electron, loses an electron. ऊपर वाला आंसर ही आएगा. अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पर रेडियस पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा. नहीं समझ आ रहा? और अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो रेडियस पे क्या असर पड़ेगा? घट जाएगा. यही पूछ रहा है. सेम आंसर है ऊपर वाला. देखो, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस बट न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. अगला, when an atom loses an electron, inter electronic repulsion तो decrease हो गए, but nuclear charge same है, इसलिए electrons are pulled towards the nucleus or atomic radius decrease हो जाता है.